Very good morning, modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. Students, take out your math books. We were reading about representation of data. So take out your books. बेटा डाटा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो टू टाइप से होता है. पहला होता है डाटा कनेक्शन कलेक्शन एंड दूसरा होता है पिक्टोग्राफी. सो आज हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफी के बारे में. पिक्टोग्राफी का मतलब होता है जब भी कोई डाटा हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में. ठीक है, जैसे पिक्चर्स में आपको कभी कभी सर्कल दे दिया तो सर्कल से आपको बोलेगा कि ये व्हील है. रेक्टेंगल दे दिया तो वो बताएगा कि ये बॉक्सेस हैं. इस टाइप से आपको जब भी पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो वो होता है आपका पिक्टोग्राफी. सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, पिक्चर्स की फॉर्म में गिवन है ना, और नीचे उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए. सो आपको जो है आज इन्हीं को पढ़ना है और सॉल्व आउट करना है. सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है, 1 पॉपकॉर्न इज रेफर्ड टू 20 पैकेट्स. ठीक है, पॉपकॉर्न का एक पैकेट बराबर जो है वो होता है, हो रहा है 20 पैकेट्स के. सो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं 1 पॉपकॉर्न है तो यहाँ पे आपको 20 गिवन है. यहाँ पे 3 है तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, 3 × 20 इज इक्वल्स टू 60. यहाँ पे आप देख सकते हैं ना. नेक्स्ट इसके बाद में आपके पास में 5 पैकेट्स है. 5 पैकेट्स का मतलब हो गया 5 × 20 विच मीन्स 100. एंड देन नेक्स्ट अगेन 5 × 20 इज इक्वल्स टू 100. देन 6 पैकेट्स है सो 6 × 20 120. 7 पैकेट्स विच मीन्स 140 एंड 8 पैकेट्स मीन्स 160. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंडे टू संडे जो है आपका जो पॉपकॉर्न सेल हुआ है वो कितना हुआ है. अब आप क्या बता सकते हैं पॉपकॉर्न की सेल, मंडे को है 20, ट्यूसडे है 60, वेडनेसडे को है 100, थर्सडे को भी 100 है, फ्राइडे को 120, सैटरडे 140 एंड संडे इज 160. सो ये आपकी टोटल पॉपकॉर्न की सेल है. सो अब आपको क्या करना है कि इसी के बेसिस पे, इस डाटा के बेसिस पे आपको फिल करनी है कुछ ब्लैंक्स को, जो क्वेश्चंस आपको गिवन है उनको आपको फिल आउट करना है. सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न वर सोल्ड ऑन, सबसे ज़्यादा पॉपकॉर्न्स के पैकेट्स किस दिन बिके. सो दैट इज संडे. ओके, सबसे ज़्यादा पॉपकॉर्न के पैकेट संडे को बिके ना, 160 पैकेट्स बिके हैं. फिर इसके बाद में आपको कह रहा है कि सबसे कम किस दिन मिले बिके. तो यहाँ पे आप डाटा देख करके क्या बता सकते हैं कि सबसे कम किस दिन बिके. सबसे ज़्यादा तो संडे को बिके थे लेकिन सबसे कम जो है वो मंडे को बिके हैं. तो यहाँ पे आप राइट करेंगे मंडे. ऑन डैश एंड डैश डे टुगेदर द सेल वर ओवर 280 बिकॉज ऑफ द वीकेंड. अब आपसे यहाँ पे कह रहा है कि दो दिन 280 से भी ज़्यादा सेल हुई है पॉपकॉर्न्स के पैकेट्स की, तो वो कौन सा दिन है. सो 280 से भी ज़्यादा सेल किस दिन हुई है, यहाँ आप सबको प्लस करके देखेंगे. सो वीकेंड की बात कर रहा है तो आइए सबसे पहले हम सैटरडेज एंड संडेज का चेक कर लेते हैं. तो सैटरडे को हुई थी सेल आपकी 140 एंड संडे की सेल है आपकी 160. सो 140 प्लस 160 जो है आपका आ रहा है 300. ओके, सो 300 जो है वो आपकी सेल सबसे ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा, 280 से ज़्यादा है. सो सैटरडे एंड संडे को जो है आपकी 280 से ज़्यादा की सेल हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू डेज व्हेन द सेल वर इक्वल. ठीक है, वो दो दिन जिस दिन आपकी सेल इक्वल थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वेंसडे और थर्सडे को जो है वो सेल आपकी 100 पॉपकॉर्न के पैकेट्स की है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडनेसडे एंड थर्सडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही विश टू इंक्रीज हिज सेल, अगर वो अपने सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करे तो बताइए उसके लिए कौन सा दो दिन होना चाहिए जिस दिन उसको इंक्रीज करना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू अस इट शुड बी मंडे एंड ट्यूसडे बिकॉज सबसे लीस्ट सेल, सबसे कम सेल आपकी मंडे को है एंड देन उसके बाद ट्यूसडे को है. तो उसे चाहिए कि वो मंडे और ट्यूसडे को अपनी सेल को इंक्रीज करे. ठीक है, ये हो गया आपका पहला पिक्टोग्राफी का
वर्क इसको आप अपनी बुक में फिल आउट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इसको अपनी बुक में फिल करने के बाद में पिक्चर्स व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। होपफुली आपको पिक्टोग्राफी समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।